तो भाई सुबह के बजे 8:30 और हम पहुंच गए हैं बैंकॉक, मतलब इंडिया के 7 बजे हैं। आई थिंक 1.5 घंटा हम आगे हो गए हैं। अब नेक्स्ट फ्लाइट है कोसामुई की। यहाँ पे 10:30 की मैंने फ्लाइट बुक कराई थी, थोड़ा स्पेयर टाइम होना चाहिए था, तो प्लानिंग हमेशा मेरी अच्छी होती है यार। वैसे बैंकॉक का इमिग्रेशन सिस्टम वगैरह कितना सही हो गया ना। मैं तो याद है मैं लास्ट टाइम लाइक 9 ईयर्स पहले पेरेंट्स के साथ आई होंगी, 10 साल पहले, तब हमें घंटों लाइन में वेट करना पड़ा था वीजा लगवाने के लिए। अब तो यार ऐसे लग रहा है यार, देख इंडियंस के लिए वैसे वीजा कुछ है ही नहीं, बस स्टैम्प लगाना था और उन्होंने फास्ट ट्रैक कर दिया सारा प्रोसेस। अशर सो गया है, कम से 50-60 काउंटर्स थे। अब बस इसको जल्दी से दूध खत्म करा के फिर निकलते हैं और देखते हैं कहाँ है हमारी। आज ये है हमारा लगेज, ये बैग सारे ऑलमोस्ट खाली हैं। पता नहीं बैंकॉक से इसने क्या क्या लेना है अब लड़की ने। मैंने यस सिर्फ मेरे नाम पे बिल फटता है। मेरी ना मेरी कोई शॉपिंग नहीं होगी पता, देख लियो, सिर्फ तेरी शॉपिंग होनी है या इसकी। एकदम ना कमाल की चीज हो गई। तो हमारी फ्लाइट थी 10:40 की, बट क्योंकि अभी बहुत टाइम था फ्लाइट में तो अशर सो गया था, तो हमने ना उन्हें रिक्वेस्ट करी, मतलब इतनी भी रिक्वेस्ट नहीं करी, बस सिंपली पूछा कि एक फ्लाइट पहले जा सकते हैं बैंकॉक एयरवेज की। तो उन्होंने कहा मैं चेक करती हूँ। 10:40 की फ्लाइट की बजाय उन्होंने हमें 10:00 की फ्लाइट में अब बिठा दिया। अब हम आधा घंटा पहले जा रहे हैं, 40 मिनट्स पहले, तो बहुत सही है यार। मुझे थैंक यू बोल सकती है प्रेरणा फिर से एक बार। हैप्पी एनिवर्सरी रिक्वेस्ट करा मैंने, कहा हमारी एनिवर्सरी है और शी इज वेरी टायर्ड। कुछ नहीं बोला उसने, खुद ही कर दिया झूठे। मजाक नहीं करी, पर एक्चुअल है ना बैंकॉक एयरपोर्ट बहुत बदल चुका है, लाइक 10 ईयर्स बाद इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम एंड बहुत ही चीजें अलग अलग हो गई है, रोबोटिक हो गया है, बहुत सारी चीजें, बहुत सही है। लल्लू फील हो रहा है यार। वाटर टैंक्स लगे हुए, टेम्परेचर आप सेट करके पानी निकाल सकते हो। क्या बात है यार, फ्री वो भी फ्री भाई 10 साल बाद। एक्चुअल में ऐसा लग रहा है बैंकॉक काफी बदल चुका है, देख रहे हो भाई। आज तो दिल जीत लिया इन्होंने सीरियसली। अशर सो रहा था स्ट्रॉलर में और उन्होंने सिक्योरिटी चेक पे इसको निकाला भी नहीं और टाइट भी हमारी जल्दी वाली कर दी। अशर निकाला ये सबसे बड़ी बात है, इसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी सबसे अच्छी बात ये है। और हमारी फ्लाइट है सीधा, बस प्लेन में बैठ रहे हैं, हमें वेट भी नहीं करना पड़ रहा। लेट्स गो। अशर को सन हैट पहना दिया, पर इसको सन हैट पहनने ही है, बेटे पहननी तो पड़ेगी। हम जा रहे हैं, कितनी गर्मी है यार, बहुत। सन हैट तो पहननी पड़ेगी। अभी से आदत डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है बट ठीक है। हाँ बैग लेके जाओ बेटा, बैग लेके। वैसे बैंकॉक एयरवेज की एक्चुअल में बिजनेस क्लास एयर इंडिया से बहुत बेटर है। करेक्ट बोला रहे। हाँ ब्रो क्या चाहिए? नहीं बेटा ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इसको पढ़ने में अभी टाइम है। पहले बेल्ट ले रहा था, हर्ष ने समझाया बेटा तो पानी में लैंड करने के लिए चाहिए होती है। बस कर बेटा बस कर, टिक जा डट जा। स्टाइल कितना सही है ना पगी वाला, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत यार ऐसा लग रहा है कि अलग ही दुनिया में आ गए। बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है यार भाई, बहुत सुंदर, बहुत यूनिक, बहुत छोटा सा है पर कुछ बहुत अलग है ना। बैग्स भी आ गए वहाँ और यहाँ से 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में हमारा होटल है आउटरिगर। और फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने होटल आउटरिगर। इतनी मेहनत जद्दोजहद के बाद अशर बहुत टायर्ड है। और फाइनली इतनी जद्दोजहद मुशक्कत के बाद हम पहुंच गए हैं कोसामुई और हम हैं आउटरिगर में। बहुत ही प्यारा सा लमाई स्वीट बुक कराया था एंड ये देखो ये लिटिल ट्रैवलर आपको आज टूर देंगे। मम्मा ये मेरा बाथरूम है, मैं इस बाथटब में नहाऊंगा, देखो वाओ मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आओ मम्मा आपको दिखाता हूँ मेरा बाथटब कितना लग्जूरियस है, पर अभी नहीं दरवाजा खुला है तो मैं शैतानी करने बाहर जा रहा हूँ। बेटा ये खुलेगा नहीं आपसे, मत करो, कोशिश भी मत करो। तो ये है बाथ टब, काफी अमेजिंग सा है और बहुत ही बड़ा सा है। एक्चुअल में बाथरूम भी बहुत ही बड़ा है यार। और ये जो टचेस होती है ना एस्थेटिक्स, ये मेरा दिल लूट लेते हैं एक्चुअल में। और यहाँ पे सेपरेट एरिया है, सेपरेट सेपरेट हर चीज के लिए। चलो आगे दिखाओ, चलो बेटा आगे दिखाओ क्या है। चलो मम्मा दिखाता हूँ। ये देखो मम्मा यहाँ पे ना एक मिरर है बहुत बड़ा सा जिसमें मैं नजर आ रहा हूँ और यहाँ पे ना मिनी बार है। यहाँ पे मिनी बार में बहुत सारी चीजें होती है पर यहाँ तो सिर्फ पानी है और इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है। ग्लासेस है, टी कॉफी और यहाँ पे केटल पड़ी है और ये हमारा बड़े बड़े अलमीराज इनके अंदर। भाई बाथरोब्स होने चाहिए थे, कहाँ है? ये रहे बाथरोब्स, ये रहे चप्पल, ये रही। ऐसा करते हैं चप्पल पहन लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आयन भी है। चलो 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 आगे दिखाओ, आगे दिखाओ। मम्मा इस रूम में तो हम पापा के साथ हाइड एंड सीक खेल सकते हैं, पहले मैं खुद को किश कर लेता हूँ। एक्चुअल में इतनी बड़ी बड़ी अलमीराज देख के ना वो चैलेंज याद आ गया जब मैं छुप गई थी अलमीराज में। ये भी कितनी बड़ी है, दोबारा छुप जाऊंगी। चलो आगे चलते हैं, आपको दिखाती हूँ आगे क्या है। तो यहाँ से एंटर करते इतना बड़ा सा सोफा है, ये हमारा बेड है और ये रूम है। काफी ज्यादा सुंदर है, एस्थेटिक्स वाइज बहुत ही प्रिटी है। और यहाँ पे ना बेड के ऊपर हाथी राजा बैठे हुए हैं, कितने प्यारे टॉवल से बनाए हुए हैं एक्चुअल में। हाँ तो एस्थेटिक वाइज यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे कितनी सुंदर सी लैम्प है, नीचे यहाँ पे ऐसे अलार्म क्लॉक पड़ी हुई है। और हाथी से मैं आपको बताती हूँ, काफी लोगों को पता नहीं होगा बट थाईलैंड कोसामुई वगैरह जो एरियाज है ना यहाँ पे, ये एलिफेंट्स के लिए बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे ना एलिफेंट्स को बहुत ही अच्छी सैंक्चुरीज में रखा जाता है और इन्हें बहुत एथिकली एक अच्छा एनवायरमेंट देते हैं। और हम जा सकते हैं और एलिफेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे उनको बात करा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं।
सकते हैं और सारी चीज बहुत एथिकली होती है, ऐसा नहीं होता कि उनको टॉर्चर किया जाए कुछ, तो बहुत अच्छी अच्छी एलिफेंट सैंक्चुरीज बनी है और ये पीछे देखो ये लगा हुआ अपना ही टूर कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो हम भी जाने वाले ऐसी एक सैंक्चुरी और यहाँ पे हमारे लिए क्योंकि हम GHA मेंबर्स हैं तो यहाँ पे हमारे लिए फ्रूट्स पड़े हैं, ये हमारे लिए वार्म वेलकम क्योंकि हम GHA मेंबर्स हैं और यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज। नहीं बेटा डस्टबिन नहीं देखना, हमें नहीं देखना, रूम टूर में डस्टबिन नहीं दिखाते अशर। और फिर यहाँ से एकदम ही सेपरेट यहाँ पे एरिया बना हुआ है जहाँ पे हम लाउंज कर सकते हैं, पूरा ना फैमिली स्वीट है। और ओ माई गॉड ये तो नकली कराटे मार रहा है, असली मार रहा है नकली। तो हर्ष यहाँ पे लमलेट हो चुका है क्योंकि बहुत नींद आ रही है उसे। और फिर एस्थेटिक्स वाइज ये देखो, ओ हो हाँ जी हाँ जी। बेटा हम यहाँ पे टूर करा रहे हैं, बताओ क्या कराना है। मम्मा मेरे को ना यहाँ पे हर चीज बहुत अच्छी लग रही है, ये फैमिली वाला बहुत अच्छा है और यहाँ पे लैम्प कितना अच्छा है, ये ऊपर फैन कितना अच्छा है, हर चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे प्लांट बहुत अच्छा है। और अशर ने यहाँ पे अपना सारा स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे बालकनी से पूरा व्यू नजर आता है हमारे होटल का, हमारे रिजॉर्ट का। और ये देखो बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है यार सीरियसली। तो बींग GHA मेंबर्स हमारे पास ना काफी सारे ऑप्शंस थे बुकिंग कराने के लिए। अनंतारा था, निकी बीच रिजॉर्ट था, आउटरिगर था और अवनी था। पर हमने मतलब मैंने सारी चीजें गो थ्रू करी और मुझे सबसे अच्छा इन्हीं लोगों का लगा क्योंकि यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है बेबीज के लिए ना, यहाँ पे दो दो किड्स क्लब है और पूल्स हैं अलग से, तो मतलब ये प्रॉपर लाइक फैमिली के लिए। और फैमिलीज हमें आते ही यहाँ पे काफी फैमिलीज दिखी ना, बच्चे ही बच्चे। यार तू तो कह रहा था तू एक्टिंग कर रहा, तू सही में सो गया, नींद आ रही है, सो जा चल कोई नहीं। तुझे क्यों नहीं नींद आ रही बेटा, तू भी सो जाना। ओके मम्मा थोड़ी देर में सोऊंगा, अभी मैं थोड़ी सी खेली खेली कर लूं। ये अपनी नींद पूरी कर चुके हैं सर। पापा मेरे साथ खेली खेली करो, मुझे नहीं पता पापा। Sometime later. और अपनी एनिवर्सरी मनाने हम आ गए हैं वॉयर 47 अशर के साथ। क्या बात है, पहली बार अशर हमारे साथ है। यार मेरा OOTD तो दिखा दे हर्ष, मेरा तो दिखा दे तेरा तो। क्या ही OOTD। तो भाई हमारे होटल का आउटरिगर का इतना सही सा ना क्लब हाउस है, एकदम बहुत ही सुंदर था। हमने कहा बाहर कहाँ जाना है, यहाँ से व्यू देखो यार। भाई असली चीज तो वो है, क्या एज वाटर इनका। हाँ यहाँ पे सारी एक्टिविटीज, इनके पूल है 5 पूल और स्लाइड वगैरह भी है ना। हाँ तो अभी हम शाम को जब थोड़ी सी धूप कम होगी ना तब जाएंगे बाहर। मुझे अभी जाना है, ले तेरी मर्जी है। अभी तो मैं मसाज कराने का सोच रहा हूँ। तू मसाज करा, मैं और अशर प्ले एरिया में खेलेंगे और फिर शाम को चलेंगे स्विमिंग पूल। ठीक है डन। अशर तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्या करना चाहते हो आप मुझे बताओ बेटा। आप क्या बाहर बीच पे चिल करना चाहते हो, नहीं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना चाहते हो, थोड़ा सा हाँ कह रहे, किड्स रूम में खेलना चाहते हो। पापा तो मसाज कराने लगे, पापा ने इन रूम मसाज बुक करा दी है, एनिवर्सरी हमारी है पर मसाज सिर्फ हर्ष कराएगा, मैं तो कराऊंगी नहीं ना मसाज। और मुझे गिफ्ट दिया एनिवर्सरी का, सारे गिफ्ट मैं ही देती हूँ हर्ष। तो हमारा प्लान सेट है, अभी हम यहाँ पे कॉफी पियेंगे, ये बढ़िया सा इनका एकदम क्लब हाउस है, यहाँ पे आप आओ और जो आपका मन करे वो पी सकते हो। हर्ष ने कहा बाहर जाके पैसे क्यों पटने, आज हम अपना मुफ्ती में कॉफी वॉफी पियेंगे, मस्ती करेंगे। बाहर ना ह्यूमिडिटी बहुत है, बहुत गर्मी है तो बेबी के लिए तो और भी ज्यादा है। बेबी क्या पियोगे? मामा मेरे को बनाना पाई खानी है। हर्ष तो उसकी फ्लोटी तो लेके नहीं आया, अब क्या करें? पर्पसली नहीं लाया, मैंने सोचा यहाँ से लेके देंगे अशर को। चल ठीक है फिर यहाँ से एक फ्लोटी लेंगे। और फिर तेको पता ना यहाँ पे क्या मस्ती होती है भाई, जो हमारा ये आउटरिगर है ना ये होटल, इसके सामने मतलब होटल से निकलते ही सामने इनका खुद का बीच हाउस है, तो इनका एज वाटर नाम का पूरा बीच क्लब है जहाँ पे 5 स्विमिंग पूल्स है जिसमें से 2 बेबीज के मतलब बच्चों के, मैं तो कह रही हूँ इसको फ्लोटी के अंदर बिल्कुल पूल के अंदर मस्ती करने देंगे। और फिर किड्स क्लब है, हर्ष कराएगा मसाज, मामा और अशर करेंगे किड्स फन और बस ऐसे ही मस्ती करने वाले। आज बहुत रिलैक्स रखने वाले अपनी आइटनरी, आज बिल्कुल हेक्टिक नहीं करने वाले क्योंकि पूरी रात ट्रैवल करके आए हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और फिर को समुई की जो वो हैपनिंग सी नाइट लाइफ है हर्ष, वो कब देखने जाएंगे हम? ले चलेंगे, चल पड़ेंगे यार, मुझे तो पता ही नहीं। और यहाँ पे आ गई है मेरी कैफे लाते, हर्ष ने अपने लिए स्मूदी मंगाई है, यहाँ पे अशर के लिए टी केक्स मंगाए हैं और यहाँ पे ब्रेड। खा लो बेटा टी केक तो खा लो आप। नहीं पापा मेरी ध्यान तो आपकी स्मूदी पे है। Later that same evening. हम आगे होटल के प्ले रूम में, भाई क्या रिक्रिएशनल रूम है प्रेरणा। यार मेरे को तो ना खुद मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे किचन सेट पे किचन खेल लूँ। और अशर को मैं कह रही थी कि आ जा खेल, वो भाग गया वहाँ। उसका फ्रेंड है पता, वो दोपहर में उससे मिलवाया था उसको। फुल बीच वाइब्स तो एक्चुअल में अशर बना रहा है, देख रहे उसको पूरा बीची वाइब्स में एकदम, उसके पीछे भागेगा। मेरे बच्चों ने देख सब बनाए हुए यार, ये कब बनाएगा, सुंदर सुंदर चीजें बनाई है। He's like play with me, मेरे साथ खेलो actually। ये वाला सीन तो उसका घर में भी है ना, ये क्या कर रहे हैं? ना तो कुछ खेल रही। पहले यहाँ कितनी शांति थी, जैसे प्रेरणा और अशर आए यहाँ शांति हो गई। Come on baby। भाई अशर को यहाँ पे एक्चुअल में पापी गुड़िया मिली है, या पापी गुड्डा, ये मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। जब से इसको ये गुड्डा मिला तब से इसके लिए बहुत पोजेसिव हो गया है। अशर अशर क्या कर रहा है तू इसका? अशर ये सही नहीं है बेटा, ये ठीक नहीं है, इसने आज तक किसी टॉय को हाथ नहीं लगाया पर ये इस गुड्डे को उठा उठा के पटक रहा है। अशर क्या कर रहा है बेटा? नॉट इवन किडिंग गाइस, पता नहीं इसको क्या पसंद आया इस गुड्डे के अंदर, ये पागलों की तरह इसको पीट रहा है, इसको उठा रहा है।
खेल रहा और कभी किसी के साथ नहीं खेला, बट इसके अंदर ऐसा क्या है? क्या ये गुड्डा हॉन्टेड है? फिर आ गया, क्या आशर क्यों चाहिए था कोई? क्या पसंद है ये? क्या कर रहा है? खा क्यों रहा है इसको? ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आ रहा है आशर के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करके। हर्ष अपनी मसाज करा रहा है, उसको भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी था। एक्चुअली में बहुत टायर्ड हो जाते हैं पता है फ्लाइट्स के बाद, या वैसे भी जनरली बच्चा संभालते तो ऐसा लगता है थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिले तो हम अब टाइम डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम उसका फ्री, फिर थोड़ा सा टाइम मेरा। और फाइनली सुबह से जहाँ जाने के लिए वेट कर रहे थे एज वाटर, अब फाइनली जा रहे हैं। बड़ा लग सा ही कुछ लग रहा है, लाइफ इज कूल बाय द पूल। अब पता लगेगा क्या क्या है यहाँ पे, रात का फन करने आए हैं। ये सबसे अच्छा टाइम है बता रहा भाई, पर पूल तो खाली पड़ा है इस टाइम पे, लोग मुझे लग रहा है वहाँ चले गए बीच पे। अच्छा तो ये पहला पूल है बाय द वे, यहाँ से ही दिख रहा है, और यहाँ से चलते हैं पैदल। एक्चुअल में जब इसने बोला भी था ना कि हम सामोई चलते हैं, तो मैंने यही बात बोली थी कि देख बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और है भी, अभी इस टाइम भी गर्मी लग रही है, एसी में से एकदम से बाहर आऊँ तो और वैसे ही गर्मी लगती है, बट बहुत सुंदर है, मतलब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पापा और बेटे की मस्ती चल रही है, इसको क्या मजा आ रहा है, मैं देख रही हूँ भाई, अंदर कर कर बस कह रहा मुझे छोड़ दो मैं भाग रहा हूँ, पूरा सर पीछे करके ना ऐसे लेट रहा है, मुझे फ्लोट करने दो बस, चल भी रहा पानी में देख। हाँ देखो आवाज सुन, अब मुझे लग रहा है अक्षर तेरे को ना स्विमिंग क्लासेस में एनरोल कराना ही पड़ेगा। जल्दी करा दो, मुझे पानी बहुत पसंद है। इसका एक बेनिफिट बताऊँ तेरे को, आज जितना ही खेलेगा उतना लंबा सोएगा सही में, और पानी में जाके वैसे बंदा थक जाता है। अभी से रियलाइज नहीं हो रही, खाना भी खाएगा, ये क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हो बेटा? थोड़ी देर बाद सारा पूल का पानी बाहर होगा, अभी तो इसके मुंह के अंदर है पूल का पानी। भाई क्या फील है यार, सीरियसली पीछे क्या लग रहे हैं ये कोकोनट ट्रीज, ओ भाई सच में चाह रहा है कि मैं करूँ, स्टंट कर रहा है। ओ देख पीछे शैक है, वहाँ से हमने भी खाना ऑर्डर किया था। इसको पकड़ो बेटा, ऐसे पापा सिखाएंगे। हाँ सबसे प्रो लेवल के स्विमर सिखा रहे हैं, सिखा भी कौन रहा है।